नमस्कार, मैं श्रेया फ्रॉम श्रेया स्पेक्सन क्लिनिक। तो थंबनेल देख के आपको समझ थोड़ा आ गया है जो आज कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ स्पेशल होने वाला है। आज मेरा पप्पी फ्लाइट से कहाँ जाने वाला है पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो चलिए देख लेते हैं। अभी टाइम था रात का 1 बजे एकदम, क्योंकि मेरा जो पप्पी जाने वाला था उसका फ्लाइट का टाइम था 5:30 बजे मॉर्निंग का। लेकिन फ्लाइट में जो जो पप्पी जाते हैं, जो नेक्स्ट टाइम खुद के साथ भी लेके जाने वाले हैं, इसलिए बोल देती हूँ आपके पास 2-3 घंटा एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोसीड्योर बहुत लेंदी है। इसलिए पहले ही हम लोग चले आए 1 बजे तक, जैसे मेरे पास टाइम रहे, पप्पी को थोड़ा रिलैक्स हो जाए, खाने पीने का सब कंप्लीट करके है ना, मेडिसिन वगैरह दे के भेजना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे चेकिंग वगैरह से लेके आपका पेपर वर्क बहुत रहता है। तो पहले ही आप, हम लोग जहाँ पे एयरपोर्ट में फ्लाइट लेके जाते हैं, ये जगह वो नहीं है, ये कार्गो की जगह है जहाँ पे पार्सल वगैरह जाता है, पप्पीज वगैरह जाता है, इसको कार्गो बोलते हैं। तो हम लोग चले आए हैं। तो पहले ही आपका आने का टाइम पे ही आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो लोग चेक करेंगे, फिर कार्गो में आपको एंट्री करने देंगे। तो हम लोग चलते हैं बुकिंग के लिए। तो ज़्यादातर पप्पी जो बुकिंग में जाते हैं वो एयर इंडिया से जाते हैं, क्योंकि दूसरा फ्लाइट थोड़ा अलाउ नहीं करते है। तो देख सकते हैं, ये देखिए कि ऊँचा की ऊँचा एकदम बैठा हुआ है, कहाँ जाने वाले देख लेते हैं हम लोग। और पप्पी को ज़रूर वैक्सीनेट होना चाहिए, हेल्थ एकदम परफेक्ट होना चाहिए और एज बहुत मैटर करता है फ्लाइट के लिए। तो यहाँ पे तो हम लोग आ गए हैं। पहले यहाँ पे प्लेन मिलेगा आपको इंडिगो वगैरह, ठीक है ना, तब पर आपको मिल जाएगा एयर इंडिया का। इंडिगो में आप ड्राई वगैरह आइटम्स भेज सकते हैं, लेकिन पप्पी वगैरह जाता है एयर इंडिया में। तो पहले ही वहाँ पे मैडम बस सर था, बहुत हेल्पफुल है उन लोग, तो आपके बहुत डॉक्यूमेंट्स देगा, फॉर्म फिलअप करने बोलेगा, जो आपको दिक्कत होगा वो लोग बहुत प्यारा है, गाइड भी कर देते हैं आपको प्रॉपरली, ठीक है ना। लेकिन कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे सोच लीजिए आपका 5-10 पूरा फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा एकदम डिटेल्स। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चा को होना चाहिए हेल्दी, प्रॉपर एज एंड वैक्सीनेट, क्योंकि वैक्सीन कार्ड वगैरह, हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह सब लोग चेक करते हैं। एवं डॉक्टर होना चाहिए एकदम सीनियर वाला, डॉक्टर का हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि ओरा जूनियर वाला डॉक्टर, जो नया वाला है वेटरनरी डॉक्टर है, उन लोगों का हेल्थ सर्टिफिकेट बहुत टाइम पे नहीं लेता है। इसलिए अच्छा वाला रजिस्टर एकदम सीनियर डॉक्टर से आप लोग वैक्सीनेट करें। तो ये हेल्दी वाला लैब्राडोर जाएगा एक, और एक लासा आपसे भी यहाँ पर जाएगा वाइट कलर का, ठीक है, एक मेल है एक फीमेल है। तो ये जाने के टाइम में बुकिंग कैसे लेके जाते हैं हम लोग, इसका है वीडियो देख लीजिए। ऐसे ऐसे करके जाते हैं एयरपोर्ट के लिए। ये बास्केट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बास्केट का साइज इतना होना चाहिए जो बच्चा अंदर में घूम सके, बैठ सके। हाँ, क्योंकि आपका बास्केट छोटा होगा तो वहाँ से ही उन लोग कैंसिल करके आपको फिर से भेज देगा घर। इसलिए बास्केट का साइज इतना होना चाहिए जो बच्चा अंदर में एकदम कंफर्टेबल फील करे। देखिए इतना साइज हम लोग इतना अच्छा दिए थे, जो वहाँ पे भी खेल रहा था बच्चा, ठीक है ना। तो मेरा प्रोसीड्योर डन है, इसलिए मुझे कॉपी उन लोगों से ही मिल जाएगा। तो इस टाइम पे बंदा लेके चला जा रहे, तो चलिए जान लेते हैं बच्चा तो कहाँ जाएगा। ये दो बच्चा अंदमान निकोबार जा रहा है, मेरा अभी से अंदमान निकोबार में भी काम होगा। तो वहाँ का जो बंदा वीडियो देख रहे हैं आप लोग, आप मंगा सकते हैं। प्रोसीड्योर में आपको व्हाट्सएप कर दूंगी कैसे कैसे करके आपको बुकिंग करना है, कैसे हम लोगों से ये करें। और लास्ट में वीडियो के एंड में मैं कस्टमर रिव्यू भी दे दूंगी, क्योंकि फ्लाइट के जर्नी के बाद बच्चा कैसा रहता है नहीं रहता है आपको टेंशन होगा, इसलिए मैं आपको कस्टमर रिव्यू भेजती हूँ। ये लैब है कस्टमर के घर पे, और ये आपका बाई कलर जो लासा है कस्टमर के घर पे, ये वीडियो मैंने भेज दिया। चलिए बाय, टाटा, फिर से मुलाकात।